हेलो। देखिए, आपका एविडेंस में सेक्शन 32 चल रहा था, यानी कि साक्ष्य अधिनियम में आपका धारा 32 पढ़ाई जा रही थी। इसमें आपका फिर से एक बार भूमिका देखिए, तब आपका एक क्वेश्चन निश्चित आता है, यानी कि या तो प्री में भी एक क्वेश्चन निश्चित आता है, मेंस में भी निश्चित आपका पूछा जाता है, बिहार आपका जे में भी पूछा गया था मेंस में ये क्वेश्चन, और इंटरव्यू में भी आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। देखिए, आपका जब भी 32 पढ़िए तो सबसे पहले आपको पढ़ना है धारा 60, यानी कि एविडेंस की धारा 60 से उठाना है और तब आपका 32 पर आना है। देखिए, धारा जो 60 है एविडेंस की, आगे अभी पढ़ाई जाएगी डिटेल में, अभी शॉर्टकट में जानना है। एविडेंस की धारा जो 60 है, ये बताती है कि जो ओरल एविडेंस होगा, यानी कि जो मौखिक साक्ष्य होगा, अर्थात जो भी साक्ष्य मुख से बोल कर दिया जाएगा, वह डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। यानी कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक अवस्था में डायरेक्ट हो, यानी कि प्रत्यक्ष हो। अब प्रत्यक्ष का मतलब भी धारा 60 में बताया गया है कि कब ये कहा जाएगा कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बात कान से सुनने वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने कानों से उस बात को सुना है, वह आकर साक्ष्य दे। अगर वह बात आपका आँख से देखने वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी आँख से उस घटना को देखा है, वह आकर न्यायालय में बयान दे। अगर वह बात त्वचा द्वारा अस्पर्शनीय है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने त्वचा से स्पर्श किया है, वह आकर बयान दे। अगर वह नाक द्वारा सूंघने वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं सूंघा है, वो आए। या अगर वह जिह्वा द्वारा स्वाद वाली बात है, तो जो व्यक्ति स्वयं उसका स्वाद लिया है, वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय में आए और बयान दे। तो ऐसे लोगों द्वारा दिए गए बयान को, या जो मौखिक साक्ष्य होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या डायरेक्ट ओरल एविडेंस। लेकिन ये सिद्धांत सेक्शन 60 में समाहित हैं, लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ कानून ऐसी दशाओं का वर्णन करता है जहाँ की जो एविडेंस होगा, जो साक्ष्य होगा, वह अप्रत्यक्ष हो सकता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को ही कहा जाता है श्रुत साक्ष्य, याद रखे, या अनुश्रुत साक्ष्य, श्रुत साक्ष या अनुश्रुत साक्ष या हियर से एविडेंस। तो जो धारा 32 हम पढ़ेंगे, ये जो आपका सेक्शन 32 है, ये हियर से एविडेंस हैं, अनुश्रुत साक्ष हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष साक्ष हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका प्री में भी यहीं उत्पन्न होता है कि सेक्शन 32 किस सेक्शन का एक्सेप्शन है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 60 का। फिर दूसरा क्वेश्चन भी बना है, आप जाकर देखिए, अनुच्छेद 32 में जो बातें बताई गई हैं, वह कैसी साक्ष्य हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि अनुश्रुत साक्ष्य। तो आपका जवाब रहेगा अनुश्रुत साक्ष्य या हियर से एविडेंस। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रत्यक्ष न मार कर आइएगा, क्या मारेंगे? हियर से। हियर से का मतलब ये हुआ, या श्रुत या अनुश्रुत का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति गवाही दे रहा है, यानी कि जो व्यक्ति न्यायालय में मौखिक रूप से कुछ बता रहा है, वह स्वयं घटना को न तो देखा है न सुना है, बल्कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा वह सुना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई साक्षी
दूसरे के ज्ञान के आधार पर अपना मौखिक साक्ष्य देता है उसे हम अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं। और सामान्य नियम भी यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को बाहर किया जाए, लेकिन इसके अपवाद हैं जहाँ कि हियर से एविडेंस को भी साक्ष्य में स्वीकार किया गया है और अन्य अपवादों के साथ साथ सेक्शन 32 भी इसी का अपवाद है। अर्थात अब दो एंगल से क्वेश्चन बनाइए, धारा 32 किसका अपवाद है तो प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का भी, और धारा 32 किसका अपवाद है अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का भी अपवाद है। एक लाइन और क्वेश्चन बनता है कि हियर से एविडेंस का रूल क्या है, तो अनुश्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य का नियम ही है कि अप्रत्यक्ष जो साक्ष्य होता है वह विसंगत और अग्राह्य होता है, यानी कि साक्ष्य में उसे स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन ये हम जो 32 बताएंगे इस नियम का क्या हम बताएंगे एक्सेप्शन, जहाँ कि अनुश्रुत साक्ष्य होते हुए भी एविडेंस में इसे एक्सेप्ट किया गया है। अब अगला देखिए आपका धारा 32 में 8 कंडीशन दी गई है, यानी कि अगला क्वेश्चन आपका धारा 32 में 8 ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहाँ कि अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो मॉडल बनता है कि किस क्लाज में कौन सा कंडीशन है, ये तो हम बताएंगे ही आज से कम भाई दो लेक्चर इसमें लगता है 32 में, एक से नहीं होगा क्योंकि बड़ा ये चैप्टर है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए प्री के लिए कि घर पर जाके हम बनाएंगे आगे लिस्ट, आठों का लिस्ट बनाइए और किस क्लाज में कौन सा है ये मिलाने के लिए आता है। एमपी और छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में मैचिंग कराने के लिए आता है, तो आपको आठों क्लाज क्या होने चाहिए याद, किस क्लाज में क्या है। अब सेक्शन 32 में कहा क्या गया है ये देखा जाए। सेक्शन 32 में ये कहा गया है कि उन व्यक्तियों के कथन, तो कथन हम आगे बताएंगे मौखिक कथन कि लिखित कथन कि इशारों द्वारा किया गया कथन कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा किया गया कथन, तो कथन अभी न जानिए के सहित इसको बताना पड़ेगा। उन व्यक्तियों के कथन जो अब मर गए हैं, यानी कि आपका व्यक्ति क्या कि हो गया है, अब मर गया है या दूसरा मिल नहीं सकता, यानी कि मिल नहीं सकता यानी कि खोजने पर भी वह व्यक्ति मिलेगा नहीं, तीसरा अब साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, असमर्थ यानी कि या तो पागल हो गया या याददाश्त उसकी क्या हो गई है चली गई है, या न्यायालय की अधिकारिता से इतना दूर चला गया है कि अगर उसे न्यायालय बुलाता है तो न्यायालय की राय में बहुत ज़्यादा व्यय भी लगेगा, यानी कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अतः कानून ये कहता है कि इन चार व्यक्तियों द्वारा जो पहले उस विषय के बारे में कथन किए गए हैं बिना इन्हें बुलाए उन कथनों को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाए, यानी कि अब इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अब बिना इन्हें बुलाए उन कथनों को साक्ष्य में क्या किया जाएगा स्वीकार। तो कितनी कंडीशन है जहाँ कि अब इन्हें बिना बुलाए इनके द्वारा किए गए कथनों को एविडेंस में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा 8। और 8 में जो क्लाज वाइज हैं और हम पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो पूरा लेक्चर आपका मैंने ले लेगा, एक लेक्चर तो कम से कम अधिक भी ले सकता है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहला क्लाज हम बता रहे हैं 32 का क्लाज 1, यानी कि 32 के क्लाज 1 में
ये कहा गया है कि जो व्यक्ति मर गया है, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसके कथनों को रेलेवेंट बनाया गया है, इसी को दूसरी भाषा में हम कहते हैं मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन या मृत्युशैया का कथन, मृत्युशैया का कथन, या इसको मृत्युकालिक घोषणा भी कहते हैं, या इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा शॉर्टकट में डीडी या डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, डीडी या डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अब एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं पहले वो समझा जाए। इस बारे में आपका क्वेश्चन ये भी बना भाई यूपीजे में कि मृत्युकालिक कथन का प्रावधान या मृत्युकालिक घोषणा या मृत्युशैया की घोषणा का प्रावधान आपका किस क्लाज में है, तो गलत न हो धारा 32 के किस क्लाज में, 1। ये भी अब मृत्युकालिक घोषणा के बारे में देखिए कुछ सामान्य बातें पहली बताई जाए, उसके बाद आपका माने अन्य बेयर एक्ट की बातें बताई जाएंगी। पहला जो आपका पूछा गया है, अभी आपका उत्तराखंड पीसीएस जे में भी ये क्वेश्चन आया कि मृत्युकालिक घोषणा या मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य में स्वीकार करने का बेस क्या है, आधार क्या है। आधार हम पढ़ेंगे, आधार के बाद कुछ विद्वानों का कोटेशन देखेंगे कि विद्वान इस बारे में क्या कहते हैं, फिर इसके बाद अभी उत्तराखंड में बना भी था केस हम देखेंगे, यानी कि तीन एंगल से शुरुआती दौर में चलना है। कौन कौन एंगल, पहला बेस देखना है, दूसरा आपका विद्वानों का कुछ कोटेशन देखना है, और तीसरा केस देखना है जिसमें कि थीसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इससे अभी पिछली बार आपका बता दिया जाए, उत्तराखंड में जो हम बताएंगे उत्तराखंड में तीन क्वेश्चन आए थे, मैं एक दो नहीं भिन्न भिन्न एंगलों से आपका तीन क्वेश्चन जे में बना था। कौन कौन बना था उसको हम बताएंगे। आखिर मृत्युकालिक कथन होता क्या है पहले ये हल्का सा जान लिया जाए, क्योंकि आगे डिटेल में हम केस सहित बताएंगे, आपका पूछा भी जाता है, अभी तो ये सामान्य बातें ही चल रही हैं। मृत्युकालिक कथन का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति का कथन जो मर गया हो, यानी कि जिंदा ना हो, अब क्या हुआ हो, मर गया हो, और उस कथन द्वारा उसने अपने मृत्यु के रीजन के बारे में या अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, या उस ट्रांजैक्शन की कंडीशन के बारे में या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में, अर्थात उस हालात के बारे में, उस वस्तु स्थिति के बारे में कथन किया हो जिस हालात में या जिस कंडीशन में जिस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है, यानी कि जिन हालातों में किसी व्यक्ति की क्या हुई है, मृत्यु हुई है, वह भी मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। तो फिर एक बार देखिए भाई पूरा वाक्य, आगे हम बताएंगे केस सहित इसमें आपका, पहले अभी सामान्य बातें हो जाए तब, जितनी सामान्य बातें हैं सबसे पहले वो हो जाए तब आपका बेयर एक्ट और बेयर एक्ट से एक एक शब्दों को क्या करना है इसमें समझाना है, और कई सेक्शन जोड़े जाएंगे, आपका मॉडल भी कई बनाए जाएंगे। लेकिन फिर एक बार आपका देखिए सामान्य बातें, अगर कोई पूछे कि मृत्युकालिक कथन क्या है तो यही बताइएगा कि ऐसे व्यक्ति का कथन जो मर गया है और जिसने मृत्यु के पहले अपने मृत्यु के कारणों के बारे में कथन किया है या उस हालात के बारे में कथन किया है जिस हालात में उसकी क्या हुई है मृत्यु, तो ऐसे कथन को डीडी डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन कहा जाता है।
अब दूसरी बात ये आई कि आखिर किस बेस पर या किस आधार पर, ये उत्तराखंड में अभी बना था, किस आधार पर ऐसे कथनों को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, वह बेस क्या है, आधार क्या है? तो तीन आधार हैं, मैं फिर बता दूं, यानी कि कितने आधार आप पढ़कर जाएंगे, तीन, और तीनों आधारों को हम देखते हैं। पहला आधार है नेसेसिटी या आवश्यकता, आवश्यकता। दूसरा आधार है विश्वसनीयता, और तीसरा आधार है अन्य साक्ष्य का अभाव, अन्य साक्ष्य का अभाव। तीन फिर याद रखिए, यानी कि आपका तीन आधार हैं जिस आधार पर मृत ऐसे कथनों को एविडेंस में एक्सेप्ट किया गया है। तो जो उत्तराखंड का मॉडल रहा वो बता दिया जाए तुरंत, तब तीनों डिटेल में बताया जाए कि मृत्युकालिक कथन किस आधार पर साक्ष्य में स्वीकार किए गए हैं। आपका दिया था आवश्यकता के आधार पर, दूसरा लोक नीति के आधार पर, तीसरा सरकार की नीति के आधार पर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे चारों ऑप्शन में, क्या इसमें से तीन आधारों में से कोई आधार मिलता है कि नहीं मिलता है, और वह कौन है, आवश्यकता। लेकिन अगर नया मॉडल बने कि भाई आवश्यकता के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर, अन्य साक्ष्य के अभाव के आधार पर, उपर्युक्त सभी, तो क्या मार कर आएंगे अब ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। आखिर क्यों ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है कि मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में स्वीकार किया जाए? तो ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति मर गया है, चूंकि अब उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता, यानी कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है अब उसे साक्ष्य देने के लिए चूंकि बुलाया नहीं जा सकता, तो आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि उसके द्वारा मृत्यु के पहले किए गए कथनों को एविडेंस में स्वीकार कर लिया जाए। तो ये पहला क्या पॉइंट हुआ, आवश्यकता या नेसेसिटी। दूसरा आधार है या जो जुरिस्प्रूडेंशियल बेस है वह विश्वसनीयता है। अब विश्वसनीयता कैसे दूसरा आधार बनेगी, ये देखिए, सामान्यतः यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अब ईश्वर को प्यारा हो रहा है, अर्थात जल्दी ही अब ऊपर जाने वाला है, तो ये मान कर चला जाता है कि भले जिंदगी भर झूठ बोला हो, तिकड़मबाजी किया हो, लेकिन ये माना जाता है कि अंतिम समय व्यक्ति सत्य बोलता है, अर्थात इसका मतलब वे तकलीफ में होते हैं जो सत्य बोलते हैं, ये मान कर चला जाता है कि अंतिम समय वह झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी आत्मा अब परमात्मा से मिलेगी। अतः ऐसे व्यक्ति के आपका अंतिम समय में किए गए कथन को सत्य विश्वास किया जाना चाहिए। और क्या विश्वास किया जाना चाहिए, कि ये कथन सत्य है कि असत्य, तो ये कथन सत्य है। ये दूसरा हुआ विश्वसनीयता। तीसरा अन्य साक्ष्य का अभाव। तमाम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ की अभियुक्त ने अपराध तो किया होता है लेकिन कोई गवाह नहीं होता, और जिसके प्रति अपराध किया होता है वह आपका कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद मर जाता है। अतः ऐसी कंडीशन में अन्य साक्ष्य का अभाव हो जाता है, अतः मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। एक उदाहरण देखिए, ए ने बी को गोली मारा, कोई देखा नहीं घटना। कुछ लोग आपका कह सकते हैं कि बी को बाद में आए तो उसका मैंने शरीर पड़ा था,
वह अस्पताल में पहुंचाए। डॉक्टर ने पूछा कि ये चोटें कैसे लगी, तो बी ने बता दिया डॉक्टर को कि ए ने हमें गोली मारी थी, इसलिए ये चोटें लगी हैं, और बी की मृत्यु हो जाती है तत्पश्चात। अब ऐसी दशा में चूंकि कोई घटना देखा नहीं है, अतः बी द्वारा जो डॉक्टर साहब को बातें बताई गई थी, उन बातों को साक्ष्य में स्वीकार कर लेना ही उचित माना जाएगा। यानी कि अन्य साक्ष्य के अभाव में मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में क्या किया गया है स्वीकार। तीन आधार याद रखिएगा, और प्री के लिए भी और डिटेल में ही बताया जा रहा है। अगला देखिए, आखिर विद्वान क्या कहते हैं। तो जहाँ तक विद्वानों की बात है, तीन विद्वानों का कोटेशन याद रखना है, और कौन विद्वान क्या कहता है वो भी जानना है। यानी कि कम से कम आपका तीन विद्वानों का कोटेशन इसमें याद रखना है। पहला हम बता रहे हैं मैथ्यू अर्नाल्ड, ये मैथ्यू अर्नाल्ड, देखिए क्या कहते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है, अर्थात जो व्यक्ति अब मर रहा है उसके होठों पर या जुबान पर सत्य का वास होता है, अर्थात अंतिम समय जब व्यक्ति बोलता है तो सामान्यतः झूठ नहीं बोलता, क्या बोलता है, सत्य बोलता है। अतः ऐसे कथनों को अनुसृत साक्ष्य होते हुए भी साक्ष्य में एक्सेप्ट किया गया। ये किसका कोटेशन है, आपका मैथ्यू अर्नाल्ड। अब आइए शेक्सपियर देखा जाए, दूसरा जो विद्वान है, काफ़ी कहानियाँ लिखे हैं शेक्सपियर भाई, आपका काफ़ी कहानियाँ भी ये लिखे हैं, आप इनका नाम प्रसिद्ध हैं काफ़ी। शेक्सपियर क्या कहते हैं, नाटक लिखे हैं ज़्यादा। शेक्सपियर ये कहते हैं कि वे सत्य बोलते हैं जो तकलीफ में बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है और उसे तकलीफ है, तो ऐसा व्यक्ति जब तकलीफ में बोलता है तो सामान्यतः झूठ नहीं बोलता, बल्कि क्या बोलता है, सत्य बोलता है। अतः ऐसी दशा में उसके कथनों को साक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा विद्वान आ गए जस्टिस लस, आपका जस्टिस लस। जहाँ तक जस्टिस लस की बात है, न्यायाधीश लस भी बताते हैं, देखिए क्या बताते हैं। कोई व्यक्ति जो तुरंत ही अपने निर्माता के समक्ष जा रहा हो, वह अपनी जुबान में झूठ लेकर नहीं जाएगा। फिर एक बार देखिए, कोई व्यक्ति जो जल्दी ही अपने निर्माता के पास जा रहा है, यानी कि ईश्वर के पास जा रहा है, यानी कि अब मरने वाला है, अपने मुख में झूठ के साथ ईश्वर के पास नहीं जाएगा। अतः ये माना जाता है कि जब व्यक्ति अंतिम समय बोलता है तो वह सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। और आपका चौथा, आपका विद्वान तो नहीं लेकिन केस आपका फिर उत्तराखंड में बना था केस, अच्छे से याद रखिएगा, खुशाल राव वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। खुशाल राव वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, कहीं कहीं कौशल राव भी देता है, लेकिन जो उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया वह खुशाल राव लिखा था। फिर हम बता दें भाई के कारण कभी काल आपका ये चेंज हो सकता है। अगर उत्तराखंड ने जो क्वेश्चन बनाया वह खुशाल राव लिखा था, अभी आपका पिछली बारी, इसीलिए अब हम भी खुशाल राव ही बताते हैं। यानी कि खुशाल राव, इसी को कहीं कहीं आपका जो मिलेगा के कारण
आपका कौशल राव भी लिखा रहेगा। तो चाहे कौशल राव लिखा हो या कुशाल राव लिखा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक ही केस है। इस केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने थीसिस ऑफ डाइन डिक्लेरेशन, याद रखिएगा थीसिस ऑफ डाइन डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि मृत्युकालिक कथन क्यों साक्ष्य में एक्सेप्ट किए गए हैं, क्यों साक्ष्य में स्वीकार किए गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में इसलिए एक्सेप्ट किए गए हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुख में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। तो आपका पहला तो क्वेश्चन ये बना, आपका फिर दो क्वेश्चन बनाया जाए कि मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत किस केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो कुशाल राव याद रखेंगे, और कुशाल ना राव न रहे तो कौन, कौशल राव। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि मृत्युकालिक कथन इस आधार पर एक्सेप्ट किए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुख में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। तो आपका क्या जवाब रहेगा, आपका कुशाल राव के केस में। ये आपका बताया गया आधार हो गया, विद्वानों का कथन हमने तीन बताया, अर्नाल्ड का, शेक्सपियर का, जस्टिस लस का, और केस एक याद रखना है कुशाल राव का। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, कुछ सामान्य बातें देख ली जाए। देखिए मृत्युकालिक कथन में सतर्क किए रहना है, तीन चार सामान्य बातें, तब बेरेक्ट हम शुरू करते हैं। सतर्क आपका चार पांच क्वेश्चन से रहना है, जो शुरुआती दौर में हमें लगता है कि प्री में ये लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं बिहार से लेकर यूपी तक में। पहला आपका सतर्क ये रहना है, जो यूपी जे में पिछली बार पूछा था कि मृत्युकालिक कथन कब माना जाएगा, तो अपनी मृत्यु के बारे में कथन किया हो, अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में किया हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बेयर एक्ट जब तोड़ेंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि स्वयं की मृत्यु के बारे में, तो आप क्या मार कर आएंगे कि अपनी मृत्यु के बारे में अगर कथन किया है तो वह मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, दूसरे का नहीं। अब कौन वो कैसे मरा उसके उससे मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट आइए जो टेक्निकल है, दूसरा पॉइंट ये आता है आपका, जो टेक्निकल पॉइंट आता है कि जो चोटें पहुंचाई गई हैं मृत्यु उसी उन्हीं चोटों के कारण होनी चाहिए, यानी कि अभियुक्त ने पीड़ित को जो चोटें पहुंचाई हैं ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसी चोट के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है, तभी उसके कथन को मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। यदि मृत्यु का कारण कोई दूसरा है, यानी कि चोट के कारण नहीं मरा उस बल्कि अन्य कारण से मर गया और कथन किया है, तो वह कथन मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा, दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है। तीसरा टेक्निकल पॉइंट ये है, इंग्लैंड में ये आवश्यक है कि मृत्युकालिक कथन करते समय व्यक्ति मृत्यु की आशंका में ही नहीं, प्रत्याशंका, प्रत्याशंका मतलब पूर्ण आशंका में हो, यानी कि इंग्लैंड में ये आवश्यक है कि जिस समय व्यक्ति कथन कर रहा हो उस कथन उस समय उसे पूर्ण विश्वास हो कि कथन करने के बाद वह मर जाएगा, और मरा भी, अगर जिंदा बच गया तो उसका इंग्लैंड में कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम भारत में देखेंगे
कि भारत में कथन करते समय मृत्यु की आशंका या प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है। प्रत्याशंका या आशंका हो भी सकती है, नहीं भी, अर्थात भारत में कथन को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, भले ही उस समय उस व्यक्ति को मृत्यु की जरा भी आशंका न हो। याद रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट आपको देखना है वह ये देखना है कि आखिर किन मामलों में मृत्यु, जो बिहार का क्वेश्चन है, किन मामलों में मृत्युकालिक कथन सुसंगत होता है, सिविल मामलों में कि क्रिमिनल मामलों में कि दोनों में। तो अच्छे से याद रखिए, भारत में चाहे मामला सिविल हो चाहे आपराधिक हो, दोनों मामलों में मृत्युकालिक कथन रेलेवेंट होगा, साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकेगा। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नियम नहीं है। इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में साक्ष्य में पेश किया जाता है, सिविल में नहीं। ये शुरुआती दौर में दो चार पॉइंट हर हाल में याद रखना है, ये नहीं कि आपका ये छोड़ देना है आपका। अब आइए आपका अगला जो सामान्य बात है, मृत्युकालिक कथन किसके समक्ष किया जा सकता है। तो इसी में ऑप्शन देगा, डॉक्टर के समक्ष, पुलिस के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, उपायुक्त, सभी के समक्ष। तो बस एक लाइन, मृत्युकालिक कथन किसी भी व्यक्ति के समक्ष किया जा सकता है। और UPAPO ने पुछल्ला पुछल्ला बना कर दिया है। पुछल्ला मैंने एक एक लाइन का चार पांच क्वेश्चन दे देगा। देखिए UPAPO क्या बनाए। ए एक व्यक्ति है, वह उसे चोट पहुंचाई गई है और वह जाकर CRPC की धारा 154 के तहत अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज कराता है और FIR के बाद आपका ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत। तो क्या ये FIR में कही गई बातें मृत्युकालिक कथन मानी जाएगी कि नहीं। तो अभी एक लाइन बताया गया कि मृत्युकालिक कथन किसके समक्ष किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के समक्ष। तो क्या इसे मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर से कहा, मजिस्ट्रेट से कहा, अपने घर वालों से कहा, मित्र से कह दिया, अजनबी आदमी अस्पताल ले जा रहा था उससे बताया, तो ये सभी मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि अगर मजिस्ट्रेट ने मृत्युकालिक कथन लिखा है तो उसका महत्व थोड़ा साक्ष्य में क्या होता है, ज़्यादा। और मजिस्ट्रेट आपका स्टेटमेंट लिखते हैं सेक्शन CRPC के 164 के तहत, तो आपका वो भी कवर करना है, CRPC की कुछ धाराएं भी कवर करनी पड़ेंगी, आपका 154, उसके बाद आपका 162 और 164। और इसमें निर्भया कांड भी हमें बताना पड़ेगा 164 में। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है सामान्य कि क्या एक से अधिक बार मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है। तो इस पर एक उदाहरण देखिए, इसके सहित हम बताएंगे। एक को चोट लगी, उसका घर वाले आए तो घर वालों से उन्होंने बताया, फिर अस्पताल में भर्ती हुआ तो डॉक्टर ने पूछा चोट कैसे लगी, तब बताया, और फिर मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट से भी बताया। तो एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक मृत्युकालिक कथन किए जा सकते हैं, लेकिन आपका तीनों में विरोधाभास न हो। यानी कि विरोधाभास न हो, इसका मतलब कि घर वालों से कहा कि ए ने मारा और डॉक्टर से कहा कि बी ने मारा और मजिस्ट्रेट से कहा कि सी ने मारा, इसका मतलब कि यह आदमी क्या बोल रहा है अंतिम समय भी, झूठ। यानी कि झूठ का तो झूठ झूठ भी बोलने का चांस रहता है कि जीवन भर ये परेशान किए हैं, चलो अपने दुश्मनों को फंसा दे और हम तो मर ही रहे हैं,
यानी कि हम तो ऊपर जाएंगे ही, अन्य हमारे जो दुश्मन हैं वो भी जेल में सजा काटें, ये हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। अब आइए शुरू किया जाए भाई, सामान्य बातें आपका बता दी गई और हमें लगता है कि यहाँ से निश्चित तौर पे सामान्य बातें बातों से आपका प्री में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखिए अब आपका जाइए मुंह धो लीजिए। देखिए आपका मृत्युकालिक कथन होता क्या है ये पहले देखा जाए। मृत्युकालिक कथन को भारतीय पूछा गया भाई आपका, फिर क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए। मृत्युकालिक कथन से आप क्या समझते हैं और इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करिए, या इसका साक्ष्य में महत्व बताइए, या अंतिम इसमें जोड़ देता है इंग्लैंड और भारत के नियमों में अंतर बताइए। भले अंतर ना पूछे, मेंस में लिखते समय अंतर एक एक लाइन दिखाते रहना है, या ये पुछल्ला पूछ देता है जैसे हमने बताया कि डॉक्टर से कहा पुलिस से कहा, तो ये सब आपका अलग से पुछल्ला भी पूछता है। तो पहला हम शुरुआत कर रहे हैं, मृत्युकालिक कथन से आप क्या समझते हैं, या मृत्युकालिक कथन को परिभाषित करिए। देखिए इसको कैसे सटीक भाषा में आप परिभाषा देंगे भाई। ऐसी व्यक्ति का कथन जिसकी मृत्यु हो गई है तथा जिसने उस कथन द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो, या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, ऐसे कथन को ही मृत्युकालिक कथन कहा जाएगा। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, मृत्युकालिक कथन का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति का कथन जिसकी क्या हो गई है मृत, और जिसने ऐसे कथन द्वारा या तो अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी क्या हुई है डेथ, तो ऐसे कथन को ही एक लाइन में क्या कहा जाएगा, मृत्युकालिक कथन या मृत्युशैया का कथन। जब जाएंगे आप लोग राजस्थान इत्यादि तो मृत्युकालिक नहीं मृत्युशैया का कथन यानी कि कहा जाता है, या मृत्युकालिक घोषणा कहा जाता है। घबराना नहीं है, इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन, और शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा, डीडी। आइए देखा जाए अगला भाई आपका। अब जब भी आप कोई परिभाषा दीजिए, अगर उस चीज को किसी केस में हेलो 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 बंद कर दिए। देखिए भाई आपका ये मृत्युकालिक कथन बताया जा रहा था, अब फिर एक बार आइए। अगर किसी चीज़ की परिभाषा दी गई हो
और अगर वह किसी केस में भी परिभाषित किया गया हो तो अपनी चार लाइन या तीन लाइन की परिभाषा बनाएंगे और उस केस को सपोर्ट करवाएंगे। और वह केस है रास बिहारी यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये यूपीजे में और बिहार में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। रास बिहारी यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के बाद में उच्चतम न्यायालय ने मृतकालिक कथन को परिभाषित किया और जो परिभाषा हमने ऊपर बताई उसी परिभाषा को ही आपका फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ऐसे व्यक्ति का कथन जो क्या हुआ हो, मर गया हो और उस कथन द्वारा स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, दूसरे के नहीं किसके, स्वयं के या उस कंडीशन को बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसा कथन ही मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। केस देखिए मॉडल इस पर प्री में भी कैसे बनाए, क्वेश्चनों भी बताना है भाई साथ साथ। एक तो रास बिहारी यादव के केस में आपका मृत्युकालिक कथन को परिभाषित किया गया। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बना है यूपी में कि उच्चतम न्यायालय ने किस केस में सुसंगतता और ग्राह्यता में अंतर बताया, ये भी आपका यूपी में पूछा जा चुका है। तो इस केस का दूसरा एंगल भी देखना है कि इस केस में उच्चतम न्यायालय ने सुसंगतता और ग्राह्यता में क्या बताया अंतर, अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और उसको बाद में जब अनुधारा 136 आएगी तब हम डिटेल में वहीं उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तमाम सेक्शन जोड़ने पड़ते हैं और जब तक कि कुछ बातें आप न जान लें सुसंगतता और ग्राह्यता को उठाना ठीक नहीं है। तो आइए देखा जाए इस प्रकार मृत्युकालिक कथन अब आपका 32वां को तोड़ा जाए और शब्दशः तोड़ा जाए। एक एक शब्दों को देखिए भाई आप पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे घर पे, देखिए कोई भी बेयर एक्ट हो आप कैसे घर पर पढ़ेंगे। और देखिए हम एक एक शब्दों को अलग कर रहे हैं, आप देखिए कैसे आप घर पर ही पढ़िएगा। देखिए 32 का क्लाज वन, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो। देखिए जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में हो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने कथन किया हो, जिस व्यक्ति ने कथन किया हो उसकी वह क्या, उसकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, और उस कथन द्वारा वह जो कथन है उसके द्वारा वह अपनी माने क्या, स्वयं के किसके बारे में बता रहा हो, मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, या मृत्यु के कारण के बारे में तो नहीं बताया लेकिन ऐसा कथन उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में है, कंडीशन के बारे में है जिसमें उसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अब अगला शब्द देखिए आपका बेयर एक्ट के बारे में, बेयर एक्ट क्या कहता है। अगला देखिए भाई आपका पूरा वाक्य एक बार पढ़ दिया जाए, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, यानी कि इसका मतलब ऐसा कथन किस मामले में सुसंगत होगा, तो ऐसे मामले में सुसंगत होगा जिस मामले में उसके मृत्यु का क्या हो, कारण प्रश्नगत हो। प्रश्नगत
प्रश्नगत मतलब कि मृत्यु के कारणों को लेकर क्या हो डिस्प्यूट यानी विवाद। अब अगला अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी और भी आवश्यक तत्व है। देखिए बेरक आपका, ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को जिसने उसे किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु की आशंका हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि मृत्यु की पूर्ण आशंका होना क्या भारत में आवश्यक है कि नहीं, तो आवश्यक नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। अगला शब्द देखिए, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो नेचर कैसा ही क्यों न हो, यानी कि जो कार्यवाही की प्रकृति है वह कैसी ही क्यों न हो, तो कार्यवाही सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक कौन कार्यवाही सिविल और दूसरी कौन कार्यवाही आपराधिक या दांडिक, यानी कि मृत्युकालिक कथन किस मामले में सुसंगत होगा, सिविल कार्यवाही में कि आपराधिक कार्यवाही में कि दोनों में, तो दोनों में चाहे नेचर कैसा भी रहा हो। अब इसी को एक एक करके आपका देखना है। सबसे पहले आइए आपका पहला हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कथन किया हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी डेथ हो गई हो। अब यहीं आपका केस और आपका तमाम चीज़ें बतानी है। देखिए भाई यहाँ जो आपको पढ़ना है कथन पर, अब ये इसको हटा दीजिए, अब अभी कथन और मृत्यु पर चला जाए, यानी कि कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी क्या हो गई है मृत्यु। अब यहीं आपको स्टेटमेंट को पहले तोड़ना है और इस पर केस बनाना है। ध्यान से देखिए भाई आपका, एक कथन मौखिक रूप से किया जा सकता है ओरल यानी कि मुख से बोलकर, दूसरा रिटेन में किया जा सकता है यानी कि लिखित, तीसरा संकेत या इशारों द्वारा किया जा सकता है, इंडिकेशन द्वारा, इशारों द्वारा या संकेत द्वारा, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट। अब यहीं आपको केस उत्तराखंड में जो बना था इशारों पर केस बना था, देखिए ध्यान से इसको, आपका मृत्युकालिक कथन मौखिक लिखित संकेतों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कथन असंदिग्ध न हो, माने संदिग्ध न होकर असंदिग्ध, माने असंदिग्ध न हो, यानी कि आपका इसका मतलब कि वो पूरी तरह क्लियर हो। और कथन में ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय व्यक्ति कथन कर रहा है उस समय वह कथन करने के होशो हवास में हो, यानी कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो कि वह कथन कर सके। ये भी ध्यान दिया जाएगा कि जिस समय वह कथन कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके घर वाले सिखा पढ़ा दिए और सिखाने पढ़ाने के कारण वह किसी का नाम ले लिया कि इसने ही हमें चोट पहुंचाई। ये सब न्यायालयों को क्या रखना चाहिए ध्यान में, तो किसी व्यक्ति ने कथन किया हो मौखिक कथन यानी कि मुख से बोले गए शब्दों द्वारा भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है, कागज पर लिखकर भी किया जा सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि पर भी लिखकर किया जा सकता है, और अंतिम आया इशारा, इसी पर आपको संकेत या इशारा पर केस समझना है। देखिए ध्यान से इस विषय पर जो केस अभी आपका उत्तराखंड जे में पूछा गया था और एपीओ में भी चांस है, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस, याद रखिए क्वीन इम्प्रेस वर्सेज
अब्दुल्ला का केस है और इस केस में आपका 1885 का केस है, 1885 का। इस केस में हुआ क्या था पहले समझिए। एक दुलारी नामक बेसिया थी, उसका गला काट दिया गया था, सांस नली बंद कट गई थी, वह बोलने में असमर्थ थी। तत्पश्चात आपका वह अस्पताल में भर्ती की गई। तत्पश्चात आपका मजिस्ट्रेट साहब आए और उसके घर वाले भी थे। मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नामों का उल्लेख किया कि तुम्हारा गला किसने काटा, तो 7-8 नाम बताए मजिस्ट्रेट साहब ने, इसने काटा इसने काटा। तो जब अब्दुल्ला का नाम आया तो हाथ से इशारा किया और सिर केवल सकारात्मक हिलाई, बोल नहीं पाई, यानी कि केवल और केवल क्या की, संकेत की, इंडिकेशन की, इशारा की। सत्र न्यायालय ने यानी कि निचले न्यायालय ने इसे इशारों को मौखिक कथन माना और इसे मृत, हाँ मर गई 2 दिन बाद भाई, ये जो बेस्या थी दुलारी नामक वो मर गई। तो जैसे ही वो मर गई, अब संकेत की थी, तो कोर्ट ऑफ सेशन ने इसे मौखिक साक्ष्य माना और कहा कि मृत्युकालिक कथन संकेत या इशारों द्वारा भी किया जा सकता है और ऐसा जो कथन होगा उसे मौखिक कथन माना जाएगा। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की गई, 4 जजों की पीठ बैठी, 3-1 से निर्णय आया और मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे। पैथरम और 2 अन्य जजों ने निचले न्यायालय के निर्णय को सही माना और कहा कि संकेत या इशारों द्वारा भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है, लेकिन एक जज ने अपना माइनॉरिटी में या अल्पमत में निर्णय दिया, जस्टिस महमूद। जस्टिस महमूद ने अल्पमत में निर्णय दिया और ये कहा कि जब पीड़िता इशारा कर रही हैं तो उसे सेक्शन 8 के तहत उसका आचरण या कंडक्ट माना जाए, पश्चातवर्ती आचरण माना जाए, क्योंकि इशारा आचरण में आएगा आपका कथन में नहीं। लेकिन चूंकि वो अल्पमत में थे और बहुमत में 3 जज थे तो किसका फैसला मान्य होता है, बहुमत का कि अल्पमत का। अतः वहीं से सिद्धांत निकल गया कि मृत्युकालिक कथन संकेतों द्वारा या इशारों द्वारा भी किया जा सकता है। तो उत्तराखंड का क्वेश्चन आया, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है, तो अब बताइए सेक्शन 8 मार कर आएंगे कि 32, हाँ क्योंकि बहुमत किसके पक्ष में था, 32 के। तो कई ऐसे महानुभाव थे जो हल्का सा अल्पमत में मार कर आ गए, 8 मार कर आए थे कुछ लोग पिछली बार, जबकि लगातार बताया जा रहा है कि बहुमत का फैसला क्या होगा प्रभावी। 3 जज जब मान रहे हैं कि 32-1 में आएगा, तो आप इकलौते जज जब मान रहा है कि 8 में आएगा सेक्शन, तो आप 32-1 मारिए। लेकिन हाँ, नेट वोट में जो मॉडल आता है वो मॉडल ये है कि अल्पमत में किसने निर्णय दिया क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला में, तब तो भाई महमूद। अल्पमत में निर्णय देकर उन्होंने किस सेक्शन के तहत इशारे को सुसंगत माना, अल्पमत में स्पष्ट लिखे तब किस सेक्शन में, 8 में, घटना के पहले का आचरण का कि बाद का, बाद का, चलिए ठीक है। अगला ये अभी कथन, कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी डेथ हो गई है, यानी कि मृत हो गई है। तो पहले तो मृत कराइए और आपका डेथ शब्द को आइए। जहाँ तक डेथ की परिभाषा की बात है, आपका डेथ की परिभाषा IPC की धारा 46 में दी गई है। मृत्यु का मतलब क्या हुआ, तो मृत्यु का मतलब मानव की मृत्यु, पशु की नहीं।
घोड़ा बकरी और शेर को ना मारकर कह दीजिएगा मृत हो गई। आईपीसी में मृत को कहाँ डिफाइन किया गया है, और मृत मतलब किसकी मृत्यु हो गई, मानव की। अब मानव की मृत्यु कैसे हो सकती है, हत्या भी की जा सकती है। अब एक एक देखिए, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध भी हो सकता है। इसके बाद आपका दहेज हत्या भी हो सकती है, आत्म हत्या भी हो सकती है। 304 आईपीसी में उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद आपका सेक्शन 80 आईपीसी में दुर्घटना द्वारा भी क्या हो सकती है, मृत इत्यादि। अब उतना लंबा हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि इसमें आपका धारा 32(1) में जो डेथ शब्द या मृत शब्द आया है, वह किस प्रकार की मृत्यु को कवर करेगा, तो बस एक लाइन बताइएगा, सभी प्रकार के मृत्युओं को। मानव की मृत्यु की, पशुओं की, मानव की, याद रखे किसकी मृत्यु, मानव की। अब यही आपका क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है कि क्या मृत्यु में मर्डर या हत्या तो आता ही है, क्या हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध आता है कि नहीं। निश्चित रूप से आता है, और केस है दीपक वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने दीपक बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के वाद में ये बता दिया कि आपराधिक मानव वध भी मृत्यु में आता है। अब समस्या आपका आत्महत्या आई, तो आत्महत्या में आपका दहेज वाली हत्या भी देख लीजिए, सतर्क रहना है। एक स्त्री अपने मायके में फोन करती है और ये बताती है कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता जा रहा है, और पुनः वह आत्महत्या कर लेती है, तो क्या आपका ये जो कथन है मृत्यु से पहले कि दहेज के लिए पति या नातेदार उसे तंग कर रहे थे, उसके बाद वह सुसाइड कर ली, तो क्या 32(1) में मृत्यु में आत्महत्या द्वारा मृत्यु शामिल है कि नहीं है। और ये केस जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। शारदा विरधी चंद्र शारदा, ये केस आ चुका है। शारदा विरधी चंद्र शारदा वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, फिर एक बार याद रखिए, शारदा विरधी चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि मृत्यु में आत्महत्या भी शामिल है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या के पूर्व कुछ बयान देता है, वह बयान उसके मृत्यु के कारण से रिलेटेड है या उस संव्यवहार की परिस्थिति से, अभी बताया जाएगा। अभी तो पहले पॉइंट को हम उठाए, किसको उठाए हैं, कथन को अभी बताया जा रहा है, और दूसरा कथनकर्ता की क्या हो गई हो, तभी तो हम मृत्यु बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से हो सकती है। तो आखिर ऐसी दशा में सभी मृत्यु शामिल हैं, बस एक लाइन मार कर आइए, चाहे आत्महत्या, चाहे दुर्घटना या उपेक्षापूर्ण मृत्यु, जो भी पूछे। लेकिन जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, जोड़ते रहना अब इंग्लैंड से, यहाँ से आपका कोरिलेशन शुरू हो गया। इंग्लैंड में सभी प्रकार की मृत्यु मृत्युकालिक कथन के अंतर्गत नहीं आती, केवल दो आती हैं, और वह केवल हत्या और आपराधिक मानव वध। यानी कि इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन का जो एरिया है वह भारत से सीमित है। भारत में सभी मृत्यु के मामले में आ जाएगा, लेकिन इंग्लैंड में केवल किस मामले में कथन किया गया हो, या तो हत्या, या हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध, आत्महत्या के बारे में कथन इंग्लैंड में रेलेवेंट नहीं होगा।
यानी कि इंग्लैंड में दायरा सीमित है, केवल कितना है दायरा, दो, और भारत में सभी। अगला ये आपका मृत्यु पर ही देखा जाए। जहाँ तक मृत्यु की बात है, अब एविडेंस की तीन चार धाराएं आपको जोड़नी है, और जो धाराएं आपको जोड़नी है वह जोड़नी है आपका पहला 104 जोड़ना है, फिर आपका 136 जोड़ना है, 157 जोड़ना है, 145 जोड़ना है। देखिए ये पॉइंट मेंस में लिखते समय एक एक लाइन ही सही, इन चारों धाराओं को आप ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा पहले 104 कवर करिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 बताती है कि जिस व्यक्ति का कथन है उस व्यक्ति की कथन करने के बाद डेथ हो गई है, ये पहले प्रूफ न्यायालय में करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति था, ये मृत्युकालिक कथन किया, यानी कि कथन करने के बाद ये क्या हो गया, मर गया। तो सेक्शन 104 कहता है कि जो पक्षकार मृत्युकालिक कथन को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है उस पक्षकार को पहले ये साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह व्यक्ति अब मर गया है, और तभी मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में रेलेवेंट होगा। यानी कि एक शर्त पालन करिए कि दिखाइए कि पहले ये क्या हो गया है, व्यक्ति मर गया है। लेकिन लगाना है, लेकिन न्यायालय चाहे तो धारा 136 का प्रयोग करके न्यायालय इस नियम को शिथिल कर सकता है, लेकिन छूट नहीं दे सकता। शिथिल करना का मतलब ये हुआ कि मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर ले पहले, और ये कहे कि आप मृत्यु को बाद में साबित करिएगा, लेकिन छूट नहीं दी जा सकती। अर्थात भले ही बाद में छूट दे दिया, मैंने शिथिल कर दिया न्यायालय कि आप बाद में साबित करिए डीडी मैंने वो मृत्यु, लेकिन साबित करना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए इसको भाई, कठिन है थोड़ा। जो पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय इस कथन को, इस मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में एक्सेप्ट करे, तो ऐसी दशा में उस पक्षकार को सेक्शन 104 कहता है कि सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि जिस व्यक्ति का कथन मैं पेश कर रहा हूँ अब वह व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया है, यानी कि क्या हो गया है, मर गया है। लेकिन न्यायालय को विवेकाधिकार है, 136 धारा के तहत ग्राह्यता आगे बताई जाएगी कि न्यायालय मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर ले और ये मृत साबित करना बाद में कहे कि साबित करिएगा, लेकिन छूट नहीं दे सकता। भले ही बाद में साबित करना पड़े, लेकिन हर हाल में ये प्रूफ न्यायालय में करना ही पड़ेगा, चाहे पहले या बाद में, कि जिस व्यक्ति का कथन है वह व्यक्ति जिंदा है कि मर गया है, मर गया है, चाहे पहले या बाद में। अगला देखिए, अगर मृत्युकालिक कथन करने के बाद व्यक्ति जिंदा बच जाता है तो उसके कथन को अब मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। यानी कि ए ने कुछ चीज़ें बताई लेकिन मरा नहीं, तो जब तक ए मर नहीं जाता ए का कथन मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। अब यही पूछा जाता है जिंदा बच गया तो उसका साक्ष्य में क्या महत्व होगा, तो बस दो धाराएं और कवर कर लेना है। फिर एक बार देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने कथन किया हो और कथन करने के बाद वह जिंदा बच गया हो
तो उसके कथन का क्या प्रभाव होगा? उसका कथन मृत्युकालिक कथन अब नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके कथन का अगर वह व्यक्ति न्यायालय में साक्षी या विटनेस या गवाह के रूप में आता है, तो उसके कथन का प्रयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत संपुष्टि के लिए कार्बोरेट के लिए किया जा सकता है या 145 के तहत खंडन के लिए, विरोध के लिए या कंट्राडिक्शन के लिए किया जा सकता है। तुरंत इंग्लैंड में अंतर है और ये अंतर तुरंत आपका इंग्लैंड का भी समझना है। अगर कोई व्यक्ति कथन किया और वह मरा नहीं, तो इंग्लैंड में ऐसे कथन का कोई साक्ष्य में महत्व नहीं होता। फिर एक बार समझिए, इंग्लैंड का नियम भी चलते रहना है। यदि कोई व्यक्ति कथन किया, कथन करने के बाद मरा नहीं, तो इंग्लैंड का क्या नियम है आपका कि ऐसे कथन का कोई साक्ष्य में महत्व नहीं होता। लेकिन भारत में है, मृत्युकालिक कथन तो नहीं माना जाएगा, तो एविडेंस की कौन सी धारा काम करेगी? 157 और कौन सी? 145। तो आपका संपुष्टि किस में है, कार्बोरेशन किस में है 157, और खंडन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में विरोध दिया था, विरोध किस में है? आपका कंट्राडिक्शन के लिए प्रयोग किया जाएगा किस धारा में? एविडेंस के 145। भाई चूंकि पुलिस एक्ट का भी समय हो गया, भाई 1.25 घंटा लेक्चर चल गया, तो कल आगे आपका और बताया जाएगा। अभी दो शब्द केवल बताए गए, एक तो कथन और कथनकर्ता की क्या हो गई हो मृत, अब उसके बाद स्वयं के कारण, उसके बाद तमाम चीज़ें अभी बची हैं। आपका दो लेक्चर कम से कम लग जाते हैं भाई, काफ़ी टेक्निकल ये चैप्टर हैं। तो 10-12 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई अभी आपका।